वहीं रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे का बयान सामने आया है कि राम गमन पथ को पर्यटन परिपथ के तौर पर विकसित किया जाएगा। सिर्फ बस्तर नहीं बल्कि कोरिया जिले से लेकर बस्तर तक छत्तीसगढ़ सरकार पूरे राम पथ गमन को विकसित करेगी। अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और 25 नवंबर यानी कि सत्र के पहले दिन ही सरकार लाएगी अनुपूरक बजट। राम वन गमन पथ छत्तीसगढ़ में ऐसा मान्यता है कि 14 वर्ष के वनवास काल का लगभग 12 वर्ष प्रभु राम का छत्तीसगढ़ से ही गुजरा है, इसलिए उस पूरे पथ जिसको चिन्हांकित किया गया है उसको पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित किया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ संबंधित जुड़ गए आशीष तिवारी। आशीष, इस कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी? देखिए, दो ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। एक प्रस्ताव तो अनुपूरक बजट था ही, जो सरकार इस शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के पटल पर पेश करेगी। हालांकि इस अनुपूरक बजट की साइज क्या होगी ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई है और 25 तारीख से जो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है सत्र के पहले दिन ही सरकार अनुपूरक बजट सदन के पटल पर पेश करेगी और इस पर फिर सदन में चर्चा होगी, चर्चा के बाद इसे पारित किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला जो कैबिनेट ने लिया है वो राम पथ वन गमन क्षेत्र को लेकर लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार एक टूरिस्ट सर्किट के तौर पर अब राम जो पथ गमन वन मार्ग है उसे डेवलप करने की तैयारी कर रही है और आज टूरिज्म विभाग की ओर से ये एक अहम प्रस्ताव कैबिनेट की मीटिंग में रखा गया था जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और जब ये प्रस्ताव रखा गया उस वक्त पीसीसीएफ राकेश चतुर्वेदी ने राम का जो वन पथ गमन मार्ग था उसे लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन में ये बताने की कोशिश की गई कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से जिस तरीके से भगवान राम छत्तीसगढ़ दाखिल हुए थे और जो दंडकारण्य का जो इलाका था उधर उस मार्ग से दक्षिण भारत की तरफ रवाना हुए थे, ये पूरा एक पैच जो है इसे टूरिज्म सर्किट के तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार डेवलप करेगी और इसकी सैद्धांतिक मंजूरी आज कैबिनेट ने दे दी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका आशीष। और